तो अभी आते ही थार में दिक्कत है, रास्ते में अभी घर भी नहीं पहुंचे। हो गया। और हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू हिमांशी सिंह। एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। लास्ट व्लॉग आया था 8 महीने पहले, 2 अक्टूबर को, मैंने आज ही चेक किया सुबह में। और एक क्लास लगानी थी बस उदय सर की, आज मेरी क्लास नहीं है। उदय सर आपसे मिलेंगे यूट्यूब पे। और अब हम चलते हैं नई गाड़ी लेने या नई कार की डिलीवरी लेने, जो कि नई कार है थार, है ना, राइम करता है कार थार। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ये आज का ब्लॉग। बहुत महीने हो गए, 8 महीने हो गए। आपको ब्लॉग देखना पसंद है, मुझे थोड़ा बहुत बनाना पसंद है। और क्या लेना है, मुझे थोड़े से पैसे लेने हैं वहाँ देने के लिए, और मतलब इतने में नहीं आएगी बट वहाँ लोगों को देने के लिए। चलिए खैर चलते हैं। और हम क्या करेंगे, लाइट्स ऑफ करेंगे या लाइट ऑफ बाद में कर लेंगे। कुछ तो सामान है, गाड़ी की चाबी, और आज हम थार लेने जाएंगे। थार आजकल ऐसी गाड़ी हो गई है कि यार एक तो कौन ही चाहिए। बाकी मेरा जो प्लान था वो कुछ और था, बताऊंगी बाद में। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। चश्मा, चलो। वैसे तो हम बहुत लेट हो गए हैं, हमें जाना था दिन में सुबह 11:30 बजे, अभी हम जा रहे हैं 6 बजे। आज क्लास की भी छुट्टी हुई है और कई सारे लोग जा रहे हैं, मिलवाऊंगी आपको। और लॉक कर दूं ये, तो अभी चेक नहीं करूंगी इस बार। फर्स्ट ब्लॉग भी किया था और लोगों ने बहुत रिलेट भी किया था कि हम चेक करते ही हैं तो रोक रखी है सेट। तो अभी शौर्य जाएंगे, दीदी जाएंगी, इस बार मम्मी नहीं जाएंगी। मैं मिलवा दूंगी आपको मम्मी से और एक बार उनसे मिल के जाऊंगी, क्योंकि सर्जरी हुई है उनकी। और इसके अलावा जो मेरे मामा मामी हैं जिनको मैं मम्मी पापा कहती हूँ, वो जाएंगे साथ में, और भाई यानी अंश उनका बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। और समझते तो कह रही आज पढ़ाई थोड़ी देर में। लास्ट टाइम डॉक्टर कह रही थी कि मैं और मम्मी एकदम एक जैसे दिखते हैं, सेम बिल्कुल। तो अभी मम्मी से पूछ रही कैसे लगती हूँ। अच्छा है मैं अंधा हूँ। चलो फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाहर नहीं निकलना। बस बस, अच्छा आप कहाँ जा रहे हो? आप सच में चल रही हो? फोटो खिंचा, बोलना है। अच्छा आप स्कूल जाने कब से प्लान है? अभी स्कूल जाने की करी है, सोच रहे हैं जुलाई से। बच्चे बंक मारते हैं, टीचर बंक मार के पढ़े? हां टीचर बंक मार के सोच रहे हैं जुलाई में कर लेंगे। जुलाई में कर लेना कोई, अभी और रुक जाओ। ठीक हो जाओ कल की तरफ से एकदम अप टू डेट हो जाओ। तो प्लानिंग कर रहे हैं बिल्कुल एक जैसा कलर। हां हां और 2 बजे बिल्कुल अलग कलर। चलो बस मामा जी और अंश लगे, बाकी हम सब ब्लू हैं। सब ब्लू हैं हम, ये खड़े हो आप लगे ऐसे खड़े हो ना। हां सही है, सही है, बिल्कुल सही है। तो ये करो सर, मैं कॉल अब देने लगा। क्लास वाला लगाने को तो ना प्लास्टिक सर्जरी वाला का, प्लास्टिक सर्जरी वाला का। हां चलो तो फिर आप बस, चलो मत बैठ जाओ यार, अभी अभी आगे करने दो। खाओगी बैठ जाओ, वीडियो में चलता है। नजर लगाओ, बिल्कुल ठीक हो, नजर लगाओ, नजर लगाओ। सब कह देंगे ठीक हो जाओगी एकदम। और अब तो वैसे ठीक हो गए, अब तो बस आराम के बहाने हैं। छुट्टी के बहाने, छुट्टी के बहाने, तो जैसे बच्चे करते हैं छुट्टी। वो निकल लो तो चाहे कुछ हो जाए, अभी क्या प्रॉब्लम। नहीं कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हम तो वैसे ही। हेलो, हाँ नमस्ते भैया, चलो तुम्हें थार लेने जा रही है। थार थार लेने जा रही है हिना। चलो जाते हैं, बाय बाय। उन बच्चों को बुला, ठीक है? हाँ उन्हें बुला लो, चल रहा है। और अभी नीचे शिफ्ट किया हुआ है मम्मी को, ऊपर नहीं। पहले मैं यहीं रहती है, हमारा स्टूडियो था पुराना, और ये पर्दे तभी लगवाए थे ताकि आवाज़ थोड़ी कम हो जाए, तो ये खाली था। बट अब सीढ़ियों चढ़ के जाने में दिक्कत है सर्दी की वजह से, तो बाद में शिफ्ट कर देंगे। तो अभी हम निकल गए और बिल्कुल बंद होगा शोरूम 7 बजे, हम पहुंचेंगे 6:50 पे।
पीछे देखो कितने सारे लोग हैं क्योंकि उधर से अलग अलग उसमें आएंगे। शौर्य तो दिख नहीं रहा भाई, और हाँ मम्मी दिख रही हैं बहुत बढ़िया। और हम पहुंचेंगे, पहले तो विचार था जीप रेंगलर नहीं, उसका टू डोर देखा था मैंने यूट्यूब पे, फिर पता किया बात हुई जीप में भी और एक दो फ्रेंड्स से भी बात हुई जो ऑटोमोबाइल में है, उन्होंने कहा अभी कुछ नहीं पता कब आएगा, फिर मैंने सोचा यार थार लेते हैं, बहुत लंबी बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए थी, और फिर उसके बाद थार का फाइनल हुआ, बाकी दिखाते हैं आपको। दीदी कुछ बता रही थी अभी, बताना जरा। ये दोनों आजकल बहुत कोल्ड कॉफी पीने जा रहे हैं तो मैंने पूछा कि क्यों जा रहे हो, कह रहे हम तो 5-6 बनवा लेते हैं उससे, तो फिर तूने क्या कहा? मैंने कहा कि तुम दोनों हाँ वो कॉफी पीने, क्रम्बल्ड कॉफी पसंद आ गई अंश को, आप ये कह रही थी। हाँ, तो मैंने कहा हाँ पसंद तो आएगी, और कह रहा है वो मेरा दोस्त बन गया, सौरभ कह रहा था कि जो जिससे चाय लेते हैं वो कॉफी लेते हैं वो भैया मेरे दोस्त बन गए, तो मैंने कहा हाँ दोस्त तो बनेंगे, अब जाते कहता होगा आ जाओ हमें डायबिटीज दे दो भैया, थोड़ी डायबिटीज दे दो क्रम्बल्ड कॉफी में मीठा तो होता ही है भर भर के। मुझे तो स्कॉर्पियो अच्छी लगती है, ब्लैक कलर में, ब्लैक तो सारी गाड़ी अच्छी लगती है इसलिए हमने ब्लैक। हेलो बाबू जी, ब्लैक कर दीजिए। यहां तो फॉर्च्यूनर है हरी गाड़ी, यार ये गाड़ी हो रही है यार, ये बाहर से देखने में इतनी अच्छी लगती है, अंदर से इतनी प्रीमियम होती है। अगर मैं पूरा मान जाएंगे पूरा हार्ड फैंस है, डाई हार्ड फैंस। मैंने जब ये मंगाई थी 2-3 महीने पहले उसके लिए टेस्ट ड्राइव के लिए, मतलब मन में ये रहा यार क्या, मतलब थोड़ा उतना हम कन्विंसिंग नहीं था लेना, और जीप रैंगलर इतनी बढ़िया साइज में, मुझे बड़ी गाड़ियों से, इस बार पिछली बार मैं क्रेटा सोच के ऑर्डर लेके आई थी, इस बार मैंने जगुआर एफ पेस फॉर्च्यूनर सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सोच ली, रैंगलर और मैं लेके आ रही हूँ थार। क्यूट गाड़ी है और एक इंडियन गाड़ी भी रहेगी कलेक्शन में, अच्छा लगेगा। और ये आ तो गई थी, इन्होंने मंगा दी थी तभी, BS 6.2 है, इन्होंने मंगा दी थी एक हफ्ते में, 7 दिन भी पूरे नहीं लगाए थे, और ये नेक्स्ट डे दे रहे थे पुराने वाला मॉडल को, बट नए वाला ही चाहिए था, और ये नंबर की वजह से लेट हो गया, मैं नंबर के लिए अप्लाई नहीं कर पाई थी, 1009 ही चाहिए था अपना, आज पुराने वाली कार है उसमें भी। अभी तो हम कॉफ़ी पी रहे हैं और काम हो गया सारा पेपर वर्क, पेमेंट कुछ ज़्यादा हो गया था तो ये लोग अभी हमें रिफंड करेंगे, मैंने कह दिया थोड़ा और भी ज़्यादा कर देंगे रिफंड, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग बोल रहे थे 10,000 ज़्यादा है, मैंने कहा कोई बात नहीं 15 कर देना हमें कोई दिक्कत नहीं, तो यही सब हुआ है अभी और हम बस इंतजार कर रहे हैं, अभी निकलेंगे फटाफट से लेके कार। यहाँ फोटो ये देखो सारे के सारे भाई हमारे घर में, इतने लोग जाएगी इसमें।
किसी भी महिंद्रा की कार में लग जाती है सारी महिंद्रा की कार। इनकी सिस्टर वहीं सामने पढ़ाती है हमारे घर ट्यूशन पढ़ाते हैं, होम ट्यूशन। तो आपकी ऑनलाइन वीडियो देखी थी, बाकी अपनी फिटनेस की तैयारी करते हैं उसे देखी। बहुत बढ़िया। और देखो इन्होंने फोटो भी दिखाया, तुलिका नाम है इनकी सिस्टर का, इन्हें पोस्ट कर रखी है इंस्टा पे। ये इनकी सिस्टर है और शादी भी हो गई कब? 6 जनवरी में। अरे वाह, ये तो मैं इंस्टाग्राम भी इनका इस बहाने देख लिया है आज। बहुत बढ़िया, मैंने पूरी उड़ाई थी के। तो अभी यहाँ का काम हो गया खत्म, अब हम मंदिर जाएंगे यहाँ से। बहुत पार्टी कर ली, दिवाली मना ली आज उन्होंने ही, और पॉल्यूशन भी फैला लिया। अब हम चलते हैं, बट इन्हें ऐसे मजे आते हैं, हमें भी बचपन में बहुत मजे आते थे पटाखे जलाते, अब भी आते हैं मुझे तो, बट मैं जलाती नहीं। तो अभी पूजा पाठ हो गई है, बहुत ही बढ़िया लगा, पॉजिटिव फीलिंग सी आ गई, और चलते हैं अब मंदिर में एक बार दर्शन करके आएंगे और फिर कुछ खाने जाएंगे। देखो शंख की आवाज़ आ रही है, इतनी बढ़िया। ये दोनों बहन बिल्कुल सेम पिंच, ब्लू ब्लू विद ब्लू कार। मैं ऑडी की मैचिंग ले आई हूं, पर ऑडी को तो कोई पूछ ही नहीं रहा आज। हां ऑडी कोई जितनी आज नियम कर आ गया ना, तो लगे हुए हैं अभी वीआर देखने में और तो अभी आते ही थार में दिक्कत है, रास्ते में अभी घर भी नहीं पहुंचे। ये जैसे एक्सेलरेट कर रही हूँ 40 के बार, तो ये इंजन का जो इग्निशन का साइन है और वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, पता नहीं ये सेटिंग का प्रॉब्लम है या क्या है। वहाँ भी बात हुई है महिंद्रा में, वो लोग कह रहे हैं सुबह ले जाएंगे, अदरवाइज रोड साइड असिस्टेंट से भी करा सकते हैं, बट चल तो रही है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स सी, आते ही, अभी तो घर भी नहीं पहुंचे। ये रास्ते में 2-3 बार हो चुका है, मैंने इग्निशन ऑन ऑफ करके सब देख लिया, बट देखते हैं, मशीन है, कोई भी दिक्कत आ सकती है।